big highlight is the Chenab Bridge, an engineering marvel. Jammu Kashmir mein ek railway bridge banaya hai jo satah samandar se 560 meter uncha hai aur duniya ka uncha tarin railway bridge hai. 32,000 crore rupaye ke project uska shilanyas aur kuch ka lokarpan kiya gaya hai. और इसको चनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रिज है ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए उड़ाया नहीं जा सकता. विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चनाब ब्रिज. कश्मीर घाटी को रेल से जोड़ने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर मील का पत्थर कहा जाने वाला ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है. और 467 मीटर के आर्च से सजा ये पुल आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी इमारतों से भी ऊंचा है. इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो कि सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे का. इस आर्च पर बनने वाला पुल किसी भी आतंकी हमले को झेलने में पूरी तरह से सक्षम है. तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेन है ये जो पीछे नजर आ रही है, यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे. एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस कश्मीर के अंदर से. गाइस जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं. गाइस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया था. हम यहाँ पर नारा लगाते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. आप भी लगाए जरा कश्मीर. इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान है, सिर्फ नाम. नाम के या काम के? नाम के. इतना आटे की बात की आपने तो हमारे मुल्क में मतलब जो अभी उन्होंने ये सिर्फ ये ड्रामा ही है एक किस्म का कि जो आटे के लिए जनाब सारे लोग दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं गरीब लोग वो पूरा अपना दिन भी ज़ाया करते हैं एक बोरी के लिए. ठीक है, इसकी निस्बत अगर वो आटा ही सस्ता कर दें जिस तरह लोग, अब आपने देखा होगा कि कितने लोग आटे की लाइनों में लग कर 6 से 7 अमवात हो चुकी हैं. जी देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पर कोई जुल्म होता है. हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं. आप मुझे कहेंगे 92 में लालू प्रसाद यादव जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की जन्नत कहे जाने वाले शहर कश्मीर की. तो कश्मीर भारत की धरती को 4 चांद लगाती है और अपनी खूबसूरती पहाड़ पर्वत और झील के साथ देसी और विदेशी दोनों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है. लेकिन वही मोदी जी का प्लान है कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाने का, तो कहीं ना कहीं ये काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख रहा है. इसी बीच कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है. सोचिए इसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो उस समय ट्रेन में बैठे यात्रियों का जो खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा. चिनाब नदी पर बने ये चिनाब ब्रिज नदी के तल से 1315 मीटर ऊंचा है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है. ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब ब्रिज के रियासी जिले में बक्कल से कौड़ी के बीच में बनाया गया है. कश्मीर पर गंदी नजर रखने वाले पाकिस्तान का सपना मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है. तो इस पे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट जरूर बताएं. जय हिंद जय भारत. ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आपको भी और आपको भी कि इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है जिधर से ट्रेन गुजरेगी ऊंचा तरीन. ठीक है, जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना बेशक काम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान है, सिर्फ नाम. नाम के या काम के? नाम के. तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे, चलाने वाले अच्छे मिले थे. ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं आज ऐसे फोदकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं रात को आधी रात को अगर पहुंचता हूं मेरे लिए कितना मसला होगा, मुश्किल वाली बात होगी. तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने इसका नहीं देखा. और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है. वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता. चले तो क्या समझते हैं, आपकी इतनी उम्र है क्या समझते हैं, मुझे लास्ट में बताएं, ये देखने वालों को शायद पता चले कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारा निज़ाम भी बेहतर हो, आखिर हमने भी तो अपने निज़ाम को बेहतर करना है. पहले बात तो ये है भाई मेरे,
कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान या इंसान, मैं समझता हूँ बंदे को इंसान होना चाहिए, इंसान नियत भी होनी चाहिए ना, खाली इंसान तो है ही है लेकिन उनके अंदर इंसान नियत भी होनी चाहिए। सर अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया के रेलवे के निज़ाम की बात करें तो अभी रिसेंटली इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 560 मीटर ऊंचा जो है सताए समंदर से रेलवे ब्रिज बनाया है और सबसे मज़े की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ ब्लास्ट प्रूफ है, यहाँ के ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज पहली दफा दुनिया में बनाया गया इंडिया की जानिब से। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक की, रेलवे की तो बात ही छोड़े ना, उन्होंने एक अपना के एक अदारा डेवलप कर लिया है, था वो भी लॉस में लेकिन उनका ये आया था मेरा ख्याल है 92 में लालू प्रसाद यादव, जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं, हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है वो भी लॉस में जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि वही ट्रेनें थी जो 1947 में उनके हिस्से में आई, वही ट्रेनें हैं जो 1947 में कुछ हमारे हिस्से में आई, इंडिया आज उन्हीं ट्रेन को डिवेलप करके और मजीद नई से नई ट्रेन बना के कहाँ से कहाँ अपना रेलवे निज़ाम ले गया? ये है कि वो अपने काम के साथ लॉयल है, हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। हमारे रिसेंटली ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं पॉलिटिक्स पे, आप देख रहे हैं कि इनका मेन इशू जो है वो करप्शन है, वो करप्शन है जिसकी वजह से हम लोग ये आगे नहीं जा सकते। रेलवे का देख ले निज़ाम, वहाँ काम करने वाले वर्कर ही नहीं उसको छोड़ते, उनकी एशिया की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप हमारे पास है ये मुगलपुरा रेलवे कैरिज शॉप जो है, लेकिन वो देख लें हालात उसके ऐसे हैं कि अब बंद हुई हुई है, आदमी खा रहे हैं, रेलवे की ज़मीनें बिक गई हैं, रेलवे एक बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल अदारा बन सकता है, उसकी ज़मीनों बेच के खा गए हुए हैं, क्या करप्शन है ना। मुझे बताएं कि ब्लास्ट प्रूफ जो है रेलवे ट्रैक होने का फ़ायदा क्या है? ब्लास्ट प्रूफ रेलवे ट्रैक होने का फ़ायदा ये है कि जंग के दिनों में जैसे आर्मी को ये बड़ी रेलवे जो है ना ये बड़ी सपोर्ट करती है, इनके बारी जो जंगी इक्विपमेंट होते हैं वो लेके जाने में रेलवे का बड़ा अमल दखल होता है, ये वजह है कि उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर जब दो कंट्रीज में जंग होती है तो सबसे पहले वो एक दूसरे के ब्रिज पर ही अटैक करते हैं, और अगर हम अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें तो उसमें भी रशिया ने यूक्रेन के सबसे पहले ब्रिजेस पर ही अटैक किया। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये देख लें रावी का एक पुल है, अगर वो उड़ गया तो लाहौर कट जाता, पूरा लाहौर कट जाता ना। मेन वजह ये मैंने बताई है कि ये करप्शन है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो लॉयल होके सोचते नहीं है, इसके लिए हुक्मरानों को भी हम क्या बताएं कि हम खुद लॉयल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पर इंडिया ने, कश्मीर की बात की जाए ना, जम्मू की बात क्यों, कश्मीर कह लेते हैं, कश्मीर की बात की जाए, हालांकि उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है लेकिन आपके लिए आजाद कश्मीर बोले ना आप। नहीं आजाद कश्मीर नहीं, जो इंडिया वालों के पास है, मैं उसकी बात, इंडिया को बीच में ना लाए ना। नहीं मैं आप सिर्फ पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ लेकिन कंपैरिजन करना, जब 1947 में पार्टीशन किसी और से कर रहे हैं, इंडिया से क्यों कर रहे हैं, बात सुने ना, ये लिंक उनके साथ हो रहा है ना, 1947 में कुछ ट्रेन उन्हें मिली कुछ हमें मिली, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ कि वो देखें दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं अपनी रेलवे के लिए, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ, तो हमने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? इसके लिए हमारे जो सियासतदान है ना, जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो उनके सियासतदान ठीक है, किसी के भी ठीक नहीं है, फिर उन्होंने कैसे बना? देखें उनकी आबादी और हमारी आबादी में फर्क है, ठीक है ना, वो आबादी काफी बड़ी है, हमारी आबादी छोटी है, नहीं लगता कि आबादी जितनी ज्यादा होगी उतने, कहने से मैं आपके मतलब नॉलेज से मुझे पता चल रहा है ये कि उन्होंने माशाल्लाह ब्रिज बना लिया, जाके सर्च करें, बहुत सारे बनाए हैं दुनिया यहाँ पर, हमारे पास आती है टूरिज्म वगैरह करने, वो पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करती हैं, और इस तरह इंडिया को नहीं किया जाता, जितनी हमारे पास चीज़ें हैं टूरिज्म की जगह हैं वो आई थिंक पूरी दुनिया में शायद ना हो। नहीं इंडिया में ये देखें आप थोड़ी सी नेट से बिजनेस मैन है आपका, तो बिरूने मुल्क भी शायद विजिट करने का आपको मौका मिले या किया हो आपने विजिट, तो फिर आपको पता होगा कि इंडिया में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा, यार बैरून जाने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ये मेरे दिल में है पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, जब देखेंगे दुनिया में और क्या हो रहा है। आप कंपैरिजन ये फिर पाकिस्तान की हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि हमें कितना आगे बढ़ना है, किनसे कितना आगे बढ़ना है, ये उनको कुछ सोचना चाहिए, पहले हम कुछ कर सकते हैं, पहले हम सोचेंगे, हम हमने सोचना कुछ नहीं है, आवाम ने करना होता है, आवाम जो अगर निकले तो ये सियासतदान को भी सीधा कर दे, तो सोचेंगे तो फिर ही निकलेंगे ना। नहीं हम हमारा खुद का कसूर है, हमारा कसूर है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं हुक्मरानों का, हुक्मरानों को तो जहर सी बात है ना, पैसा तो वो लोग सारा खा रहे हैं ना, हमारे से लेके खा रहे हैं ना,
हमें तो अपना बच्चों का पेट पालना है, सब कुछ करना है। इंडिया वालों ने मुझे ये बताया हुए हैं, मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। वैसे आप भी मैरिड हो जाए, लेकिन ये इंडिया वालों ने जो डेवलपमेंट की है वो कैसे कर ली, उन्हें भी यही ट्रेन मिली थी आपकी, छह ट्रेन का भी टाइम हो गया, उन्हें भी यही ट्रेन मिली थी, हमें भी ऐसी ही ट्रेनें मिली थी, उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की? यार बहुत बड़ी बहस हो जाएगी, एक मिनट में बताएं। देखिए इस पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है चीज़ की, जो आप मुझे बता रहे हैं आपने मुझे नॉलेज दी है कि ये चीज़ है, पर मैं कहता हूँ कि हमारे नज़र में जो भी सही चल रहा है, जैसे मोटरवे बनी है ये बहुत अच्छी बनी है, हमारे कराची के लिए मोटरवे बहुत बेहतर है, और ये जो हैदराबाद से सक्कर मोटरवे जो रेडी होने वाली है इंशाल्लाह 2 साल में, ये जब बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही ट्रेनों का ये ऑटोमेटिक किराया कम हो जाएगा और शायद इसमें बेहतरी आएगी। फिर ये सिर्फ ट्रेनें भी बच जाएंगी उनके लिए जो आम रूटीन वाले लोग हैं, जो गरीब थोड़े लोग हैं, ये उनके लिए होगी। यहाँ पर कोई कह रहा होगा कि हम जर्नी में चलते हैं उन्हें, तो हमारे कराची वाले ज़्यादातर लोग हैं वो बाय रोड ही आते हैं, क्योंकि रोड माशाल्लाह इतने अच्छे बना दिए इन्होंने, जो भी हुकूमत ने बनाए, आई थिंक नून लीग ने बनाए, इसने भी बनाए हैं पाकिस्तान के, बनाए हैं देखें, किसी और ने नहीं बनाए, बनाए नून लीग ने, तो नून लीग को ही शाबाश देनी चाहिए ना, किसी और को थोड़ी देनी चाहिए, तो जो चीज़ किसने अच्छी बनाई है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। यही मैं भी कह रहा था कि अगर इंडिया वालों ने कुछ बेहतर किया उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कहते हैं इंडिया यार, हाँ नहीं अगर किया, लेट्स सपोज किया होगा तो अच्छा किया होगा उन्होंने, जहर सी बात है, उनको बुरा थोड़ी कहना चाहिए हमें, ठीक है ना, और उनसे सीखना चाहिए अगर उन्होंने। तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।